हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे Joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको इलायची से मिलना, हिबा नवाब से मिलना, तो लीजिए Joinfilms में आपके लिए, आप लोगों के लिए खास तौर से हिबा नवाब। वेलकम टू Joinfilms। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीजाजी। इलायची जी, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस रियाज चल रहा है। अच्छा, रियाज चल रहा है, तो मैंने आपकी कौन सी जबान पे पैर दे रखा है? कीजिए ना। क्यों भाभी? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे ज्यादा डिमांड आपके लिए हुई है, ऐसा क्या है खास? खास आप सब में है जो बिकॉज किसी के अंदर खासियत देखने के लिए आपकी आंखें खास होनी चाहिए, किसी से प्यार करने के लिए आपकी आंखें प्यारी होनी चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए। तो आप लोग इतने प्यार से भरे हुए हैं, तो मैं बस रेसिप्रिकेट करती हूँ और जितना प्यार आप लोग को वापस पहुँचा सकती हूँ पहुँचाती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना सारा प्यार करते हैं आप मुझे। ये जो करेक्टर है इलायची, ये किस तरह का करेक्टर है? तो ये इलायची बहुत ही चुलबुली है, टिपिकल चांदनी चौक की लड़की है। अलग अलग तरीके से अपनों को स्टाइल करना बहुत पसंद करती है, एज यू कैन सी, मतलब मैं जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी प्रैंकस्टर है वो। उसे हर चीज़ पे सोते समय मुझे लगता है उसे सपने में ना कोई नया प्रैंक ही सूझ रहा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसका फेस चल रहा है अभी लाइफ का कुछ पिछले एक साल से, दैट शी इज़ इन लव विद दिस गाय, जो झूठ बोल के उसकी छत पे रहते हैं, मतलब ये बोल के कि उनकी शादी हो चुकी है, बट एक्चुअल में वो अपने दोस्त के साथ ही रह रहे हैं जिसको उन्होंने लड़की बना दिया है। सो आई कॉल हिम जीजाजी एंड आई एम मैडली इन लव विद हिम। तो ये बहुत प्यारी सी, यू नो, रोम कॉम है हमारा शो। और इसमें सब स्पेशली इसका ब्यूटी कैरेक्टर की तब निखर के आती है जब इसका रिलेशन हम दिखाते हैं उसके पापा के साथ, उसकी मम्मी के साथ, उसकी बेस्ट फ्रेंड, मोहल्ले वाले। तो आई थिंक सब लोग के सपोर्ट के बिना ये कैरेक्टर कभी नहीं बन सकता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई कैरेक्टर बनता है, और खासतौर से मुझे लगता है हर किसी एक्टर को लगता होगा कि उसका नाम बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो जब ये नाम बताया इलायची, क्या रिएक्शन था फर्स्ट? मैं ऐसे हंसी थी, मैंने कहा ये कैसा नाम है, ये मतलब लोग कैसे रिलेट करेंगे, नोबडी विल कॉल मी इलायची और बीबी लाइक ये कैसा नाम है। बट देन कैरेक्टर, मतलब एक महीना नहीं हुआ था एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दिस नेम एंड आई रियली यूज्ड टू लाइक दिस नेम। एंड ये इलायची पता नहीं क्यों लिटरली मेरे कैरेक्टर पे बहुत जाता है, और शायद इसका नाम इससे बेटर नहीं हो सकता था। शी इज सपोज्ड टू बी इलायची। अटपटा था, बट देन आई थिंक अटपटी चीजें ही स्टैंड आउट करती है, और सबको अच्छा लगा। आई एम ग्लैड, मुझे भी अच्छा लगता है इलायची अब। ग्रेट। अभी जब इलायची के रूप में आपको देख रहे हैं लोग, इससे पहले जो शोज किए थे आपने वो कौन कौन से थे? तो मेरा सबसे पहला शो था चैनल वी पे, क्रेजी स्टुपिडिश, व्हेन आई वाज 16। तो मेरा पहला एज अ लीड, एज अ फेस ऑफ द शो था। फिर उसके बाद आई डिड तेरे शहर में फॉर स्टार प्लस, देन आई डिड मेरी सासुमा फॉर जी टीवी, देन आई डिड भाग बकुल भाग फॉर कलर्स, सेम प्रोडक्शन हाउस, एडिट टू इसका भी, और हमारे अभी करंट शो जीजाजी छत पर है। सो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जर्नी रही है। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ। बरेली से? तो बरेली में पहली बार जब सोचा कि मुझे एक्टर बनना है और करियर बनाना है एक्टिंग में, क्या रिएक्शन था आसपास के लोगों का? आई यूज्ड टू वर्क एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बिफोर, लॉन्ग लॉन्ग अगो, आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 years, 8 years आई थिंक। फिर एक डेढ़ साल आई वॉज हियर, आई जस्ट केम फॉर, यू नो, छुट्टी बनाने के लिए। एंड यू नो होता है स्मॉल टाउन्स में, जब आप बाहर जाते हैं, बॉम्बे आते हैं, तो थोड़ा सा कीड़ा होता है सबके अंदर, वो मेरे अंदर भी था। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई, और एक बार ट्राई किया, पहला ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस शो। इट वॉज लो हो गई पूजा इस घर की। तो मेरा पहला शो अगर देखा जाए बचपन में जो किया था वो क्रेजी लो हो गई पूजा इस घर की था, जो सब टीवी पे था। तो आई थिंक ये डेस्टिनी थी और डेस्टिनी ने मुझे चूज़ किया, और शायद इस करियर ने मुझे चूज़ किया, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर, देन अ लॉयर, देन अ डॉक्टर, देन इंटीरियर डिज़ाइनर, व्हाट ऑल नॉट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्टेड टू बी, यू नो, आई वॉन्ट टू डू मास मीडिया एंड गेट इन टू जर्नलिज्म, बट देन This happened, so okay. I can be everything now. अब acting में तो सब कुछ कर सकते हो, lawyer भी कर सकते हो। Yes, I can be everything now. Normally जितने भी TV पे shows आते हैं उसमें होता है कि जो female character हैं उनको बहुत जिम्मेदारी उठानी है, बड़ा रोना पड़ता है, परेशानियाँ आती हैं, तो वो एक तरह के role हैं जिसको सब देख रहे हैं।
कॉमेडी में आना, कॉमेडी जोनर में आना, क्या चैलेंज है, क्या मजा है? यस, एक्चुअली आज तक मैंने जितने भी शो किए हैं सब ड्रामा ड्रामा इमोशंस के ऊपर प्ले होता था. बट देन इट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड भाग बकुल, भाग वाज कॉमेडी, बट बहुत कम समय के लिए किया. एंड मेजरली उसमें ऐसा कुछ मेजर ऐसा मेरा एलिमेंट नहीं था जहाँ पे मैं बहुत कुछ यू नो आई कैन परफॉर्म अ लॉट. आई वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. देन आई बारी इस शो की एंड आई वाज स्केप्टिकल बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी रोल था. मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, कॉमेडी नहीं की थी. बट देन समहाउ आई न्यू के मेरे जो शो के मेकर्स हैं वो सालों से इस इंडस्ट्री में, दे आर डूइंग वंडर्स, मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग. तो फिर हाँ थोड़ा नर्वसनेस थी. Then I tried and I thought कि नहीं भी हुआ तो, but I know I have lovely actors out there जो मेरे शो में हैं वो संभाल लेंगे. Seriously, this was my thought process कि शायद मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकूँ, because but still I know कि इस शो में अच्छे एक्टर्स हैं like अनूप जी. So I knew. But then जैसे कि like everybody feels there are people you know they really love Elaichi and it was very overwhelming to me. When my producer called me after watching the first episode, जो rough cut नॉने देखा था, and she called me and I thought she would call me and tell me what are you doing here, why you should do better. Then she was going on and on and on. She was telling me I saw the first episode, this and that, blah blah. I was very 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 scared. I thought now she'll tell me what are you doing. And then all of a sudden she said, I'm so proud of you. You know what, like you're going to win a lot of awards. And I wish, I pray that she does. Yeah. And Elaichi is my favorite now. I'm like, this coming from your producer is a very big thing. And she's a, like, you know, my very first producer who told me that she's loving my work. And I'm like, oh God, I was so, I just wanted to cry. And I'm like, chalo, jo jung thi, wo somehow jeet li because somebody is telling you this. And then, of course, आप लोग जैसे भी मुझे मैसेजेस भेजते हैं एंड देन यू टेल मी दैट हाउ मच यू लव एलाइजी. सो सही बात है, कॉमेडी में जगह बनाना आसान नहीं होता. आसान नहीं होता है लिटरली आसान और नहीं होता. इतने दिग्गज कलाकारों के बीच में करेक्ट, मतलब ओवरशैडो, मुझे लगा था आई एम गोना गेट ओवरशैडोड बिकॉज़ दे हैव बीन डूइंग सिंस फॉरएवर, 15-20 साल, कोई 25 साल का एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट स्टार्टेड. ये एलाइजी की लाइफ में तो बहुत सारे टंटे हो रखे हैं, है ना? तो ये जो टंटे हो रखे हैं, जो करेक्टर है, वो क्या अब कभी कभी हीवा पे हावी हो जाता है अभी? हाँ, आई थिंक आई हैव बिकम लिटिल बॉसी, यस, विद एवरीवन, विद माय पापा, मम्मा, माय फ्रेंड्स. मैं ऐसा बॉस अराउंड करती हूँ जैसे कि सब मेरे खरीदा हुआ है, मेरा ये सब कुछ, कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ. दिस हैपेंस एंड आई रियलाइज कि ओके, मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं सेट पे नहीं हूँ. सो यू हैव टू बी लिटिल सटल एंड नॉर्मल. ओके, आप इतने सालों से काम कर रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, तो आपने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से, गहराई से, अंदर से देखा है. जो आने वाले नए हैं, न्यू कमर हैं, खासतौर से फीमेल आर्टिस्ट, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऑल आई वांट टू से इज अपने ऊपर यकीन रखिए, आप यकीन रखेंगे. और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि आप ही नहीं, मैं जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं स्पेशली उनके लिए, उनके माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. एंड ऑफ द डे वी ऑल वॉन्ट टू फील सिक्योर्ड, और मैं बचपन से चाहती थी कि मैं सिक्योर फील करूँ, और मेरे माँ बाप ने मेक श्योर किया कि मैं सिक्योर फील करूँ और तभी मैं आगे इतना बढ़ पाई हूँ. सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू जो भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी मम्मी पापा देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए. लड़कियाँ चाहें तो बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं और आप देखते भी हैं आए दिन. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट योर गर्ल एंड गाय, एनी वन, योर किड्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स. सो फ्रेंड्स, ये थी हिबा नवाब, जिनको आप इलायची के रूप में देखते हैं, पसंद करते हैं. देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर आप अपने दिल का काम करते हैं तो आपको हमेशा अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, उसमें आप बहुत लंबे तक भी जाते हैं. एक बात उन्होंने फीमेल एक्टर्स को ज़रूर बताई कि उनको खुद पर यकीन रखना चाहिए, तो हमेशा सेफ रह सकती है. इंडस्ट्री बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है और दिल चाहा काम करने का मौका मिलता है. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. I will join.